हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं अपडेट वॉलपेपर हम कैसे सेट कर सकते हैं। अपडेट वॉलपेपर क्या होता है, जैसे कि बहुत टाइम से हमने वॉलपेपर सेट नहीं करा है या फिर चेंज नहीं करा है, तो हम अपडेट भी कर सकते हैं उसको, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई सा भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको कर लेता हूँ। इसको करने के लिए क्या करना होगा, अप्लाई पर क्लिक करना है और दोबारा से अप्लाई पर क्लिक करना है। और किस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अपडेट वॉलपेपर मैं अपनी दोनों स्क्रीन पर अप्लाई करना चाहता हूँ, होम एंड लॉक स्क्रीन पर, तो क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते मेरा ये अप्लाई हो जाएगा, यानी कि अपडेट वॉलपेपर मेरा सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।